इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो एक शेल है, ये देख रहे हो शेल, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, सरफेस का ये जो स्फेयर है इसका रेडियस कैपिटल आर है, आपको ई कहाँ निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। इसके अंदर क्योंकि सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर डेंसिटी क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा। सिग्मा क्या चीज़ है, चार्ज अपॉन एरिया, कितने एरिया पे चार्ज है, 4π R², तो क्यू बाई 4π R², क्लियर है यहाँ तक। तो हम पहले ई निकाल लेंगे शेल के बाहर। तो ये मैंने एक केस लिया जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। एक्चुअल में शेल ब्लू कलर का है, मेरी शीट में जहाँ रेड दिखेगा आपको इस शीट में वो गॉशियन सरफेस है, जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है। तो देख सकते हो ब्लू कलर रियल है, चार्ज रियल है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अगर मुझे ई निकालना है, रूल नंबर वन, जहाँ ई निकालना है टेक अ गॉशियन सरफेस। अब स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। तो अगर आपने गॉशियन सरफेस यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, सबको मिलाया तो क्या बना, इमेजिनरी स्फेयर, स्फेयर बन गया। तो यहाँ ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। e वेक्टर भी बाहर होगा क्योंकि प्लस बाहर की तरफ लाइंस को शो करेगा, बाहर की तरफ लाइंस को भेजेगा। e और ds में एंगल जीरो, यहाँ पे ले लो ds वेक्टर बाहर है, e वेक्टर भी बाहर है, तो एंगल e वेक्टर और ds वेक्टर में जीरो ही बनेगा। तो सबसे पहले स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं इसमें। स्मॉल फ्लक्स इसमें क्या होगा गॉशियन में, ये जो रेड कलर की गॉशियन सरफेस है इमेजिनरी, स्मॉल गॉशियन सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो ले लिया। टोटल फ्लक्स क्या होगा इस रेड कलर की गॉशियन सरफेस का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया क्या आएगा, 4π r², बड़ा आर नहीं, क्योंकि हम किसका फ्लक्स निकाल रहे हैं, गॉशियन सरफेस का। गॉशियन सरफेस का कलर क्या है, रेड, इसका रेडियस क्या है, छोटा आर, तो एरिया भी क्या पुट करेंगे, 4π r². क्लियर है यहाँ तक, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब गॉस कहता है यार ऐसा क्यों, मेरे से पूछ लो कि भाई फ्लक्स किसका निकालना है, मतलब तुम्हारी सरफेस का निकालना है रेड कलर की, तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर बोल दो कितना चार्ज पड़ा है। मैंने कहा देखो ब्लू कलर का चार्ज पड़ा है, तो कहता कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन छोड़ो, ये बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अंदर कितना चार्ज है, चार्ज कितने एरिया पे है, 4π R², छोटे आर नहीं, कैपिटल आर स्क्वायर पे है। तो आप चार्ज के लिए क्या पुट करेंगे, सिग्मा इनटू 4π R², क्योंकि सिग्मा का मतलब है चार्ज अपॉन एरिया, और कितने एरिया पे चार्ज दिख रहा है, ब्लू कलर के, 4π R², तो इंटीग्रेशन से भी फ्लक्स आ गया, वैसे भी फ्लक्स आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, 4π 4π कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो ये ई का फॉर्मूला आ गया एक शेल के बाहर अगर कोई पॉइंट है। लेकिन अगर कोई पॉइंट सरफेस के ऊपर है तो पिछले रिजल्ट में स्मॉल आर को क्या रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर, आंसर आ गया, तो दूसरा आंसर आ गया, ठीक है, स्मॉल आर को कैपिटल आर, क्लियर हो गया। तीसरा, अगर कोई पॉइंट शेल के ब्लू कलर के अंदर कोई पॉइंट है इनसाइड, तो गॉशियन सरफेस बाहर नहीं बनेगी, गॉशियन सरफेस अब अंदर ही बनेगी। तो इस गॉशियन सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो में इंटीग्रेशन ऑफ डी एस में क्या पुट करेंगे, इसका रेडियस क्या है, गॉशियन का छोटा आर, तो यहाँ पर छोटा आर स्क्वायर कर लेना, मैंने लिखा नहीं, ऐसे ही छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन गॉस को जब पूछोगे भाई तुम बताओ कि फ्लक्स क्या होगा, वो कहता जी बताओ मेरी गॉशियन सरफेस कहाँ है, मैंने कहा इस बार अंदर बनानी पड़ी क्योंकि ये अंदर निकालना है, तो बोला कि अंदर चार्ज क्या है, मैंने कहा चाह तो है ही नहीं, चाह तो बाहर रह गया, तो फिर कहता जी मेरी तरफ से फ्लक्स जीरो, दिखाने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, जीरो, तो उठा के जीरो कर दिया। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो ई की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली जीरो। तो इसका मतलब एक कंडक्टिंग चार्ज शेल के ऊपर कितना भी चार्ज हो उसके अंदर ई की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। ग्रेविटी का रिजल्ट भी आता, शेल थ्योरम यही कहती थी, तो किसी भी शेल के अंदर ई जीरो रहेगा। आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है, कभी आपको पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको परेशान कर सकता है, आप बचना चाहते हो, तो फिर आप एक बंद कंडक्टर के अंदर जाके छुप जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड असर नहीं करेगा जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि ई की वैल्यू इनसाइड शेल क्या हो जाती है, जीरो। किसी कंडक्टर में जाके बंद हो जाओ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन से बचना है,
लिफ्ट के अंदर बंद हो जाओ, लिफ्ट इज अ क्लोज कंडक्टर, मोबाइल फोन भी बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ये लग जाती है थ्योरम, तो ई जीरो हो जाएगा उसमें, ठीक। आपको पता है थोड़ी बहुत बिजली गिरने वाली है, ये चलो बिजली गिरने वाली है, लाइटनिंग, आपको बचना है तो अपनी कार के अंदर शीशे बंद करके बैठ जाओ, इट इज अ कंडक्टर, ई जीरो। देखो आप हीट से जल जाओ मैं कह नहीं सकता, चार्ज से तो कुछ नहीं होगा आपको, कम से कम, देखो मुझे पता नहीं, सीधी सी बात है, हीट अफेक्ट कर सकती है लेकिन चार्ज से कुछ नहीं होगा, कम से कम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड ने तंग किया, इतनी फिजिक्स आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट निल था। अब कार को हीट से कुछ हो मैं कह नहीं सकता। तो फिर ये फॉर्मूलाज, पहला अगर एक शेल के बाहर ई निकालना हो ये फॉर्मूला किया, सरफेस के ऊपर निकालना हो ये फॉर्मूला किया, सरफेस के अंदर निकालना हो तो जीरो किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर चार्ज सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान आगे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी इसमें, सिग्मा होगा इसमें कितना चार्ज है क्यू और कितने एरिया पे है, कितने एरिया पे था, 4π बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर पे था। तो आप एक काम करें, इस फॉर्मूले में सिग्मा की जगह चार्ज बाय बड़ा आर स्क्वायर पुट करें, 4π r² सॉल्व करें, आंसर बड़ा सही आ गया, 1/4π εq/r², तो यानी कि अगर ये एक स्फीयर है, शेल है, इस शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है, तो इसका चार्ज अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर आंसर आ गया। और ऐसी अगर सरफेस के ऊपर निकाल लें, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दें, फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें अभी के अभी, उसमें ये डायग्राम बनाएं, ये फॉर्मूला नोट करें, ये नोट करें, ये नोट करें, ये नोट करें, और ये पांच फॉर्मूला नोट करें। आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आएंगे शेल के ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी आती है और ऑब्जेक्टिव तो जबरदस्त बहुत तरीके से आते हैं, शेल ही शेल भरा पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें ई की वैल्यू बाहर निकालनी है तो ये फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर निकालना है तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला, और अगर अंदर निकालना है तो जीरो है। क्लियर है, ये फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होने हैं, कई न्यूमेरिकल्स में शेल में सिग्मा गिवन होता है तो उसमें ये फॉर्मूला, कईयों में क्यू गिवन होता है उसमें ये फॉर्मूला, ये तो अच्छा है फॉर्मूला, याद रहता है, कईयों में सिग्मा है तो ये फॉर्मूला, क्यू है तो ये फॉर्मूला, उसमें तो वो टेंशन ही नहीं, वो तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ई जीरो, ठीक है। फॉर्मूलाज मार्क करने को आ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे अभी। इसके साथ एक ना ग्राफ मार्क करने को आता है, शेल के बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर स्क्वायर और शेल के अंदर ई इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्जेक्टिव आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ प्लॉट करो ई वर्सेस आर। आप शेल के अंदर हैं तो ई बनेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, शेल के सरफेस के ऊपर मैक्स होगा और दूर जाओगे अगर बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप क्लियर है, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे शेल का, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप बचना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जाके कंडक्टर में बंद हो जाएं, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड ई जीरो होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बचना। क्लियर है यहाँ तक, तो अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार, और नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे।